हेलो गाइस, मैं अगेन फुल रेडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेवा माय साइड के एपिसोड नंबर 8 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है जियांग ने जो पूछा के लिए खाना बनाया था वो वहीं पर रुक के खा रहा था, और फिर वो जो है जियांग को भी टेस्ट करवाता है। और फिर वहाँ पे ही जियांग जो है एक पट्टी निकालता है जिसको डर्टी थॉट्स आ रहे हैं मुझे नहीं पता, पर ये बोल के वो जो है वो पट्टी उसकी आंखों पे बांधता है, फिर वो उसको लेके जाता है। पहले वो उसको कहता है कि अपना फर्स्ट गिफ्ट लो, फिर वो सेकंड, फिर वो थर्ड वॉट के लिए उसको जो है एक जगह पे बिठाता है, उसको कहता है क्या तुम रेडी हो। तो बुशा कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। वहाँ पे ही वो जो उसकी पट्टी खोलता है और आगे देखता है बुशा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स पड़े थे जिसको देख वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, और उसके फ्रेंड्स की तरफ से थे। मैं उनको खोल के देख रहा था कि किस किस ने उसको गिफ्ट दिया है। वहाँ पे वो कहता है कि जियांग तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है। वहाँ पे जियांग जो है केक लेकर आता है, बुशा उससे पूछता है कि क्या ये तुमने खुद ने बनाया है। तो जियांग उसको कहता है कि हाँ। वहाँ पे वो जो है केक को टेबल पे रखता है, फिर बुशा कहते हैं कि ये केक प्रीटी भी है और अगली भी। वहाँ पे जियांग वहाँ पर ही जल्दी से जियांग जो है बुशा के नोज पे क्रीम लगाता है, फिर वहाँ से ही बुशा अपने नोज से जियांग के नोज पे क्रीम लगाता है। वो दोनों स्माइल कर रहे थे। तुमने मेरे लिए ये सब कुछ प्रिपेयर किया, इसके लिए थैंक यू। वहाँ पे पूछा जो अविश कर रहा था, और वो जियांग की तरफ देखता है और कहता है कि जब मेरे ग्रैंडफादर जो है तो छोड़ के चले गए, उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। आज मैं किसी और के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ जबकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये दिन भी आएगा। लेकिन जियांग की जो काइंडनेस है कभी कभी मुझे गिल्टी फील करवाती है। जियांग उसकी तरफ जो है स्माइल करके देख रहा था। वहाँ पे पूछा केक को काटता है, तो वहाँ पे एक की पड़ी हुई थी जिसको उठा के जियांग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ही जियांग कहता है कि मैं चाहता हूँ फ्यूचर में हम दोनों सेम की ही यूज़ करें, सेम हाउस की। वहाँ पे ही बुशा बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, वो जो है हग करता है जियांग को। जियांग उसको कहता है कि मैंने पूछा था तुम्हारे फ्रेंड्स से, उन्होंने बताया कि तुम्हें नहीं पसंद कि तुम अपना बर्थडे सबके सामने सेलिब्रेट करो या फिर किसी के साथ। तुम्हारे दादाजी हुआ करते थे तो तुम्हारे लिए वो पहले नूडल्स बनाया करते थे, उसके बाद तुम केक काटा करते थे, इसलिए मैंने ऐसे किया। और फिर वो कहता है कि मैं बोरिंग हूँ लेकिन जब किसी को पसंद करता हूँ तो फिर मैं उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ और मैं उसको अपना सब कुछ दे देता हूँ। वहाँ पे जियांग उसको कहता है, इसलिए वहाँ पे जियांग उसको कहता है तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, तुम्हें मुझसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करनी होगी, तुम मुझे सारी बातें बताओ कि मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे क्योंकि मुझे झूठ बोलने वालों से और झूठ से नफरत है। वहाँ पे ही भूषा सोचने को मिलता है कि भूषा जो है लेटा हुआ था और उसने वही की पकड़ी हुई थी जो कि जियांग ने उसको गिफ्ट में दी थी, और वो सोच रहा था जो जो जियांग ने उसको कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वहाँ पे ही उसकी की जो वहाँ से गिरने लगती है लेकिन उसको पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पे उसकी में वो कुछ देख लेता है, उसको बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा था। वो फ़ोन उठा के अपनी सिस्टर को कॉल करता है, फिर उसकी सिस्टर उसको कहती है क्या हुआ। तो वो अपनी सिस्टर को कहता है कि मुझे बताओ क्या कल जियांग वहाँ आया था तुमसे मिलने के लिए। तो उसको कहते हैं कि हाँ। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब, हाँ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि जियांग ने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें बताऊँ। वहाँ पे उसको कहता है कि तुम मुझसे बात कैसे छुपा सकती हो, तुम मेरी सिस्टर हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ लेकिन जो कल आया था वो मेरे भाई का बॉयफ्रेंड भी है और उसका हर्ट भी। ऐसे वो ये बात सुनता है तो वो स्माइल करने लगता है। वहाँ पे पूछा कि सिस्टर सोचती है कि जियांग जो है उससे मिलने के लिए आया हुआ था, तो उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो जियांग ने उसको बताया मैं बुशा का रूममेट और उसका बॉयफ्रेंड हूँ, उन्होंने अभी भी डेटिंग स्टार्ट की है और मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। फिर उसको कहता है कि मुझे उस पर यकीन नहीं कि मैं सही तरीके से बुशा का जो है ख्याल रख पाऊँगा, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूँ और उसके बारे में सारी चीज़ें पूछ लूँ। वहाँ पे उसको गिफ्ट भी देता और वो दोनों जो बैठे हुए थे उसको कि मैं और बुशा अभी वो बोलने वाला था, तो वहाँ भी उसको कहती है क्या सच में मेरे भाई ने तुमसे अपनी फीलिंग्स को बता दिया, क्या उसने सारी फीलिंग्स तुमसे शेयर कर ली, मेरा भाई मैच्योर हो गया, कितनी अच्छी बात है, तुम वही हो ना हेटर बॉय जैसे वो बोलती है हेटर बॉय। तो वहाँ भी उसको कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब। वहाँ भी वो सोचती है कि मैंने क्या कर दिया, मुझे बुशा ने मना कर दिया था कि मुझे उसको ये नहीं बताना, सारी बातें तो पहले मुझे बुशा ने कही थी जब ये दोनों लवर्स नहीं थे, मैंने गड़बड़ कर दी। जियांग उसे पूछ रहा था लेकिन ये उसको आंसर नहीं करती। फिर वो उसको बताती है कि जियांग जो है आया था और मुझसे पूछ रहा था कि बुशा को क्या सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे उसका सेलिब्रेट करना है बर्थडे और आज जो है उसका बर्थडे और मैं उसके लिए सीक्रेट प्लान बना रहा हूँ और वो सारी चीज़ें मुझसे पूछ रहा था। ये सारी बातें सुन के बुशा जो है स्माइल कर रहा था, कहती है कि वो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा है। फिर बुशा सोच रहा था कि अगर मैं अपने सिस्टर से ना पूछता तो मुझे पता ही ना चलता है कि जियांग क्या कर रहा है। फिर वही सोच के लेट जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि बुशा जो है पानी पी रहा था, वहाँ पे जियांग जो आता है उसको जो है एक बुक देता है और उसके बालों को सहला के स्माइल करके वहाँ से चला जाता है और वो जो उस बुक को देख रहा था। वहाँ भी उसके फ्रेंड्स उसके पास आते हैं,
लोग उससे वो बुक ले लेते हैं और कहते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको अपनी स्टडीज पे भी फोकस करना होता है, उसके बावजूद वो तुम्हारे काम भी करके तुम्हें देता है, उसके लिए मुश्किल होता होगा वहाँ पे ही पूछा जाए। थोड़ा सा सैड था। गवर्नर से पूछता है, ऐसे मुझे बताओ कल मुझसे जियांग ने जो है टेम्पल का एड्रेस क्यों पूछा। गवर्नर उसको कहता है कि क्या तुमने उसको नहीं बताया है। पूछा जो है उससे बुक ले लेता है। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सैड था। उसका फ्रेंड्स को कहता है कि मुझे बताओ कल रात कुछ हुआ था जब तुम दोनों ने जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तुम तो कभी भी हमारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। हमने कितना ट्राई किया लेकिन तुम हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करते, मुझे बताओ। लेकिन वो सैड लग रहा था। उसके फ्रेंड्स को कहते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें। फिर पूछा कहते अपने फ्रेंड्स को कि क्या तुम लोगों ने कभी नोट किया है जियांग जो है मुझे कुछ ज़्यादा ही लाइक करने लगा, मेरे बहुत ज़्यादा केयर करता है, अपने बारे में नहीं सोचता। तो वहाँ पे उसके फ्रेंड्स को कहते हैं कि हाँ ना वही तो बात है, जियांग पत्थर दिल है और वो सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता है, तुमने उस पर क्या जादू किया है। तो वहाँ पे पूछा कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैंने उस पर कोई भी जादू नहीं किया, मुझे नहीं पता मुझे इतना ज़्यादा लाइक क्यों करता है, लेकिन शायद ये उसको हर्ट करेगा। वहाँ भाई उसके फ्रेंड्स को कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, लव लव होता है, ऐसे तुम क्यों सोच रहे हो, ये वैसे ओवर थिंकिंग है। वहाँ पे भूषा सोचने लगता है। जियांग ने उसको मैसेज छोड़ा हुआ था कि ये वीक मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होने वाला है, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, और अपना ख्याल रखना और याद रखना, एक तरीके से तुम खाना खाओ। हमें देखने को मिलता है कि भूषा जो है बैठा होता फ़ोन यूज़ कर रहा था। अभी उसको कुछ मैसेजेस आने लगते हैं, उनको देख के थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, वो लैपटॉप पर कुछ सर्च करता है। हमें देखने को मिलता है कि भूषा बैठा होता काफ़ी टेंशन में था और कह रहा था कि वो लोग बातें कर रहे हैं कि जियांग को ये पसंद है, गेम की बात कर रहा था, और वो कहता है कि वो सब कुछ क्लिक कर रहा है कि मैंने इसको बोला है। और वहाँ पे जियांग उसको देखता है, उसके पास आता है, उसको कहता है कि क्या हुआ। वहाँ पे भूषा उससे पूछता है कि तुम प्रीवियस कैंप क्यों नहीं गए। तो वहाँ पे जियांग उसको कहते हैं क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था और इसमें 2 वीक्स लगते हैं और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसको कहता है कि इसलिए मैंने किसी और को चांस दे दिया। वहाँ पे पूछा उसको कहता है अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं तो फिर तुम बास्केटबॉल खेलना क्यों नहीं छोड़ देते, लेकिन वो काफ़ी सैडनेस के साथ बोल रहा था। मैं जियांग उसकी तरफ देख रहा था। तो भूषा कहता है कि मेरा मतलब ये है कि लॉ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ और कोर्सेज होते हैं, उनको हैंडल करना और फिर बास्केटबॉल को भी हैंडल करना तुम्हारे लिए मुश्किल होता होगा। जियांग उसको कहता है कि क्या किसी ने तुमसे मेरी शिकायत लगाई कि मैं प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करता या फिर कोई और बात है। तो वहाँ पे भूषा उसके पास आता है, उसको कहता है कि नहीं मुझे किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। उसको कहता है क्योंकि तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा टाइम देते हो और तुम और मैं जो है डेट भी कर रहे हैं, इस वजह से मैं कह रहा था। वहाँ पे जियांग उसको कहते हैं कि आज कोई इरादा है तुम्हारा मुझे तंग करने का जो तुम इस तरह से बातें कर रहे हो। वहाँ पे भूषा उसको कहते हैं नहीं मैं तुम्हें तंग किस तरह कर सकता हूँ। वहाँ पे भूषा कहते हैं कि तुम्हें जाके अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना चाहिए, डिबेट क्लब में जाओ, तुम जाओगे ना ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि तुम प्रूव करो। वहाँ पे जियांग खड़ा हो जाता है, गुस्से में कहता है कि मैं क्या प्रूव करो, मुझे कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बता रहे हो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर पूछा कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अपने लिए अच्छा है और इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तुम हर वक्त मेरे साथ होती हो लेकिन मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। पूछा कहते हैं क्या ये सब कुछ मेरी वजह से। तो उसको कहते हैं कि हाँ ये सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से है क्योंकि आजकल मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है, मैं उन पर बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, किसी भी कोर्स को जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। भूषा उसको कहता है कि अगर ये मेरी वजह से तो तुम जा सकते हो, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वहाँ पे जियांग उसको कहता है कि मुझे पता है जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम डरने लगते हो, दोबारा से तुम उन वॉइस को सुनने लगते हो और उन आवाज़ों की वजह से तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहाँ पे भूषा उसकी तरफ देखने लगता है कि इसको ये बात कैसे पता चली। वहाँ पे जियांग सोचता है कि वो जब भूषा की सिस्टर से मिलने गया था तो भूषा की सिस्टर ने उसको बताया कि जियांग तुम्हारी वजह से भूषा आजकल सही है क्योंकि भूषा को जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है भूतों की, वो तुम्हें बताने से डरता है, वो इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि तुम समझोगे कि वो पागल है। जब वो छोटा था तब उसका एक्सीडेंट हुआ था और क्योंकि हमारी फैमिली टेंपल का ज़्यादा ख्याल रखती है इस वजह से उसके साथ कुछ इस तरह हुआ कि उसके एक्सीडेंट के बाद उसको जो है आवाज़ें आना शुरू हुई और वो जो है उनको बहुत बुरे तरीके से फेस करता था, वो बहुत ज़्यादा डरता है अभी भी। लेकिन उसको जब पता चला कि वो तुम्हारे साथ जब होता तो उसको उस तरह की आवाज़ें नहीं आती, तो इसीलिए वो तुम्हारे साथ होना चाहता है। वहाँ पे जियांग पूछता है उससे कि अगर मैं उसके साथ ना हूँ तो फिर या फिर मैं चला जाऊँ। तो वहाँ पे उसको कहती है कि अभी हमारे पास कोई भी सलूशन नहीं क्योंकि अगर तुम उसके साथ ना होते अभी या फिर तुम अभी उसको छोड़ के चले जाते हो तो फिर उसे अकेले इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, जबकि वो डरता है फिर भी जब तक हम लोग इसका कोई सलूशन नहीं फाइंड कर लेते, और ये बोल के उठ के चली जाती है। उसे जो सैड होकर बैठा होता है और जियांग को कहता है कि तुम इसलिए गए थे मेरी सिस्टर से मिलने के लिए और उसने तुम्हें सारी बातें बता दी। वहाँ पे
वहाँ पे पूछा उसको, कहता तो फिर तुमने मेरी वजह से सारी चीज़ों पर से गिव अप कर दिया, तुमने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया वहाँ पे। जियांग उसको कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने गिव अप नहीं किया, मैं बस रास्ता बना रहा हूँ। वहाँ पे पूछा उसको कहता है कि जो तुम रास्ता बना रहे हो क्या ये सच में काम करेगा, क्योंकि हाँ मैं डरता हूँ लेकिन अभी तुम मेरे साथ हो तो मैं ठीक हूँ, लेकिन एक दिन अगर तुम मेरे साथ ना हो तो फिर तो मुझे ये सारी चीज़ें खुद ही फेस करनी पड़ेंगी। फिर जियांग उठता है और जाके अपने कपड़े उठा रहा था, पूछा उसके पास जाता है, उसको कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वहाँ पे जियांग उसको कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी और मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो। वहाँ पे वो दोबारा से अपने कपड़े उठाने लगता है, तो पूछा उसको कहता है कि तुम यहाँ से जा रहे हो क्या, तुम मुझसे भाग रहे हो। वहाँ पे जियांग जो है उस शर्ट को फेंक के कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूँ, मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर करता हूँ ताकि तुम ठीक रहो, तुम समझते हो कि ये तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, तो नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, वो क्या आगे जाने लगता है। पर जियांग जो है अपनी बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था और पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देख रहा था कि शायद भूषा आया हो, लेकिन भूषा नहीं आया था। फिर हमें देखने को मिलता है कि भूषा जो है बैठा होता फ़ोन यूज़ कर रहा था और उसको दोबारा से आवाज़ आने लगती है और लोग उसको कह रहे थे कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, पर उनमें से एक बोलता है कि ये दोनों अब साथ नहीं है, इन्होंने जो है अभी लड़ाई की है, मुझे लगता है कि इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। वहाँ पे गुस्सा आता है, भूषा को खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया, हम दोनों अभी भी साथ हैं और तुम लोग को इससे क्या, तुम लोग जाओ यहाँ से चले जाओ, मैं और जियांग कभी भी ब्रेकअप नहीं करने वाले, तुम लोग ब्रेकअप करो तुम्हारी पूरी फैमिली का ब्रेकअप हो जाए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रहा था, वो लोग उसको कहते हैं क्योंकि हम तुम्हारे साथ ही है, तुम हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो फिर तुम हमारी हेल्प क्यों नहीं करते, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अगर जियांग वापस आ गया तो ये दोबारा हमें सुनना छोड़ देगा। वो बैठ जाता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, वो लोग उसको बार बार कह रहे थे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, हमारी हेल्प करो। फिर हमें देखने को मिलता है कि सुबह हो चुकी थी और वहाँ पे भूषा उठता है, देखता है कि क्या शायद जियांग आया हो, लेकिन जियांग नहीं आया। बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और अपने पिलो को फेंक देता है और वो बहुत ज़्यादा रोने वाली जगत बना लेता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि भूषा जो एक जगह पे खड़ा होता है और बहुत ज़्यादा सैड था, अभी वहाँ पे वो बैठ भी जाता है, उसके फ्रेंड्स उसको देखते हैं दूर से, फिर वो जो है उसके पास भागते हुए जाते हैं और वो लोग समझ रहे थे कि भूषा जो है वहाँ से जंप लगाने वाला है। वो वहाँ पे बैठा था, वो लोग उसको कहते हैं कि प्लीज़ जंप मत करो, अगर तुमने और जियांग ने ब्रेकअप कर लिया तो फिर तुम किसी और के साथ रिलेशन में आ सकती हो, ऐसे मत करो, अगर तुमने यहाँ से जो है जंप कर लिया तो बाकी सारे कपल्स भी यहाँ पर आने से डरेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपल्स आते हैं। तो उसको कह रहे थे ऐसा मत करो और फिर उसकी फ्रेंड्स को कहते हैं ऐसा मत करो प्लीज़, और फिर वहाँ पे वो जो है स्माइल करके देखता है अपने फ्रेंड्स को, लोग उसको मना कर रहे थे। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड का, तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड और करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।